Hello guys, welcome to my YouTube channel again. And guys, today I'm here with a new video and I'm going to unbox something, and that thing is Sneakers by Zara. So let's unbox this quickly and see how they look. So guys, here's the invoice and here are the shoes. तो बेस्ट थिंग अबाउट देम इज दैट ज़ारा इज प्रोवाइडिंग बैग टू कैरी देम, तो जिससे उनके शूज़ क्लीन रहें और ज़्यादा सेफ रहे, उनका जो स्टफ है बहुत अच्छा रहे. तो गाइज ये इसका बैग है, बैग के अंदर है हमारे स्नीकर्स. तो गाइज अरे 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 ये रहे गाइज हमारे स्नीकर्स. सो गाइज ये है इसकी चंकी सोल, जैसे मैं बता रहा था. तो दे कम्स विद चंकी सोल एंड इसकी जो शेप है वो बहुत ही प्यारी है, ये देख सकते हैं आप. तो गाइज द प्रिंट प्राइस ऑन दिस शू इज़ 3590 एंड जो साइज़ मैं पहनता हूँ दैट इज़ 40. सो गाइज बहुत ही अमेजिंग स्निकर्स हैं ये. क्या कहते हैं आप, कैसे लगे आपको? तो गाइज जो इनका कलर है वो है बोन वाइट. ये एकदम वाइट नहीं है, तो बोन वाइट इस कलर को कहते हैं. तो इसका सोल जो है मुझे कुछ ट्री जैसा लग रहा है, क्रिसमस ट्री जैसा. ये देखो गाइज, लग रहा है कुछ क्रिसमस ट्री. तो गाइज ये शू मैंने ऑलरेडी स्टोर में ट्राई किया और बहुत ही कंफर्टेबल शूज़ हैं, बिकॉज इनका जो ये मैश है ये बहुत ही सॉफ्ट है. और इसका जो ये फोम है, जो ये नीचे वाला फोम है, ये इतना सॉफ्ट है. तो गाइज ऐसा आई थिंक ये मेमोरी फोम है शायद. तो गाइज ये बहुत कम्फी है. तो आई थिंक इन्होंने आप अपने कैजुअल लुक के साथ, अपने लूज पैजामाज के साथ, अपने डेनिम्स के साथ क्लब कर सकते हैं. एंड बेस्ट पार्ट इज़ कि ये बहुत ड्यूरेबल है, जो कि आपको मैं दिखाऊंगा. मेरे और स्नीकर्स हैं उनमें एक प्रॉब्लम आ रही थी, जो पूरे लेदर के होते हैं या फिर जो भी उससे स्टफ कह सकते हैं, जो लेदर ही कहते हैं बेसिकली. तो जो स्टफ होता है उसमें हल्के हल्के क्रैक्स आ जाते हैं, बट गाइज इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला बिकॉज ये टोटली मैश है. तो और ये भी जो चीज़ इसकी फ्रंट वाला पार्ट है ये काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी ही सॉफ्ट. देख सकते हैं आप, मैं से प्रेस कर रहा हूँ और ये अपनी नॉर्मल शेप पर वापस आ रहा है. तो गाइज आई थिंक दे गोना वर्क. तो अब जल्दी से दिखाते हैं इसका ऑन फुट रिव्यू कि इन्हें पैरों में पहन के ये जो स्निकर्स हैं ये कैसे लगने वाले हैं. तो हियर वी गो. So now I'm gonna compare these two स्निकर्स by Zara. तो इसकी मैंने अनबॉक्सिंग कर रखी है, जिसका जो लिंक है वो वीडियो के यहाँ कॉर्नर में है. तो गाइज अगर आप इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यूइंग देखना चाहते हैं तो जाइए यहाँ पे. और आज मैं देने वाला हूँ इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू कि ये बूट्स के आई मीन शूज़ के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं. तो गाइज ये वाले हमारे हैं जो अभी हमने जो स्निकर्स चंकी सोल स्निकर्स जो हमने अभी अनबॉक्स किए एंड ऑन फुट दिखाया. तो गाइज तो ये जो स्टफ़ है ये आप देख सकते हैं. एंड गाइज इसमें एक्चुअली एक प्रॉब्लम आया है. ये शू जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये आई थिंक ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है, बट जो इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है ये. तो जो इसका स्टफ़ है वो लेदर का है, तो इसमें गाइज आ रहे हैं ये क्रैक्स. तो गाइज आई थिंक ये क्रैक्स आने स्टार्ट हो गए थे कुछ 4-5 महीने में ही. तो आई डोंट नो कि इसकी ड्यूरेबिलिटी में क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज ये वाली जो जगह है यहाँ पे शू जब हम चलते हैं तो मुड़ता है. तो गाइज इसकी जो लाइफ है आई थिंक मैं बताऊंगा 1 साल से ज़्यादा नहीं है इस शू की. जो मोनोक्रॉम ज़ारा मोनोक्रॉम मैंने अनबॉक्स किया था तो इसकी जो लाइफ है वो 1 साल नहीं है. तो अगर मैं इसके दूसरी साइड का भी आपको दिखाऊँ तो आप ये भी देखिए. तो गाइज़ इसके लिए मैंने एक सोल्यूशन ढूंढा है कि गाइज़ आपको अगर शूज़ में ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए तो उसके लिए क्या है. तो गाइज़ मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने अब स्टार्ट किया है, आई थिंक उस गलती को जो गाइज़ अब जो मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया उस गलती को ठीक करने के लिए वो है गाइज़ ये एक. तो गाइज़ मैं एक मतलब एक पॉलिश यूज़ कर रहा हूँ, लेदर पॉलिश. तो गाइज़ बेसिकली क्या है, ये जो स्टफ़ होता है ये हार्ड हो जाता है और हार्ड होने की वजह से ये इसमें क्रैक होने की प्रॉब्लम आती है. अगर आप इसको टाइम टू टाइम लुब्रिकेट करते रहो क्लीन करो और लुब्रिकेट करो तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइज जस्ट आप एक कोई भी एक अच्छा सा लेदर पॉलिश ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें भी लिखा भी है, देखिए आप सूटेबल फॉर शूज़, बैग्स, जैकेट्स, लेदर फर्नीचर। तो गाइज जितने भी ऐसे शूज़ हैं जिसमें लेदर का पार्ट होता है जो कि हार्ड हो जाता है और क्रैक, क्योंकि ऑब्वियसली बात है गाइज शूज़ हैं, चलेंगे तो कटेंगे फटेंगे तो ज़रूर है, एक लाइफ आती है। तो गाइज आई थिंक 1 साल इस शू के लिए वर्थ इट था, बिकॉज ये शू जब मैंने लिया था तो दिस वॉज फॉर 2990, मतलब 3000 रुपये का ये शू था। तो 3000 में ये मेरा पूरा साल निकाल गया है एंड काफ़ी सारे पिक्चर्स में आपने ये शू देखा होगा मैंने पहने हुए। तो आई थिंक इट्स टोटली वर्थ इट। बट गाइज जो हमारा ये वाला शू है, दिस इज़ मेड अप ऑफ दिस क्लोथ मैश, इसमें ये क्लोथ लगा है। तो गाइज ये इसकी लाइफ ज़्यादा होने वाली है, इसमें कोई क्रैक्स नहीं आने वाले हैं यहाँ से। एंड गाइज जो इसकी सोल है वो बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा। और इससे भी ज़्यादा अगर हम कंपेयर करें इन दोनों शूज़ को तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। तो जो इसकी सोल की हाइट है वो बहुत ही ज़्यादा है, गाइस देखो। तो गाइस आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड ये है चंकी सोल्स का, चाहे वो बूट्स हों, स्निकर्स हों या लोफर्स हों। आई थिंक जो डर्बी बूट्स आते हैं उसमें भी अब हाई सोल्स आने स्टार्ट हो गए हैं, तो वो भी मैं जल्दी परचेज करने वाला हूँ जैसी समर्स किक इन करेंगी। तो गाइस ये मैंने बेसिकली लिया है अपनी जो मैं हुडी कलेक्शन है, हुडी के साथ जो मैं अपने ट्रैक सूट्स पहनता हूँ उसके साथ पहनने के लिए मैंने ये बोन वाइट कलर में लिया है, क्योंकि बोन वाइट जो पूरा वाइट होता है उससे थोड़ा मेंटेन करने में ज़्यादा इजी रहता है। तो दैट्स वाई गाइज मैंने ये प्रेफर किया है। एंड गाइज मोर ओवर अगर आप भी ये शू देख रहे हैं, ये मैंने सेल में परचेज़ किया और ज़ारा की अभी सेल चल रही है। तो गाइज आई वुड से कि जल्दी से जाइए, चेक करिए क्या क्या पड़ा है। एंड जो मोनोक्रोम है गाइज इट्स गुड बाय, क्योंकि ये जो स्निकर है ये आपका एक जो गुची का एक पेटेंट स्नीकर आता है, ठीक है, तो उसकी तरह बिल्कुल बिल्कुल दिखता है। आई थिंक उसकी ही रेप्लिका है ये, तो गुची का जो स्निकर है उसकी रेप्लिका है। बहुत ही अच्छा शू है, बट आई वुड से इतना कंफर्टेबल नहीं है। अगर हम इससे कंपेयर करें तो ये इतना कंफर्टेबल नहीं है, ये तो सुपर कंफर्टेबल गाइज, इसको मैं स्केचर से भी कंपेयर कर सकता हूँ। तो गाइज इसकी लाइफ इतनी है, एंड अगर आप इसकी लाइफ और बढ़ाना चाहते हैं तो यूज़ लेदर पॉलिश, इस पे लेदर पॉलिश यूज़ करें अच्छे से। तो गाइज ये था मेरा आज का रिव्यू, एंड अगर कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हो, कुछ भी आपको पूछना हो इन शूज़ के बारे में, तो जस्ट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो गाइज जितने भी कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे उसके रिप्लाई मैं जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूँगा। So guys, thanks for watching this vlog. अगर आपको ये vlog अच्छा लगा हो तो give it a thumbs up, and अगर कुछ भी suggestion है या कुछ भी question है या query है तो comment section में जल्दी से चाहिए और comment कीजिए और मुझे बताइए, मैं जल्दी से reply करूंगा। And guys, और ऐसी amazing videos देखने के लिए please subscribe the channel, because subscribe करके प्यार बढ़ेगा, तो प्यार बांटिए। तो guys, thank you and love you all. Take care, bye bye.